अक़्वामे मुत्तहिदा की भारत के इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन पर शदीद तनकीद का सामना। अक़्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि भारत इंसानी दहशतगर्दी कवानीन इंसानी हुकूक के असूलों पर पूरा नहीं उतरते। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़्वामे मुत्तहिदा ने कहा है कि भारतीय इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन इंसानी हकूक के असूलों पर पूरा नहीं उतरते, भारत इन कवानीन पर नजरसानी करे। अक़्वामे मुत्तहिदा का कहना था कि भारतीय अफवाज इन्हीं गैर इंसानी कवानीन का सहारा लेकर कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। इंसानी हकूक के आलमी मुबसरीन मुतअद्दिद बार भारतीय कवानीन पर एतराज़ात भी उठा चुके हैं। उधर अक़्वामे मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि भारतीय कवानीन पर एतराज पाकिस्तानी और कश्मीरी मौकफ की तायद है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद दहशतगर्दी नहीं है। भारतीय सरकार इन कवानीन का सहारा लेकर इख्तलाफ राय को दबा रही है। भारत जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर चुका है, जिसके बाद भारत मुसलसल इन कोशिशों में है कि कश्मीरियों को उनकी अपनी जमीन पर अकलियत में बदल दे। जबकि भारतीय फौज ने आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद वादी में लॉकडाउन भी लगाया, जो आज तक जारी है। इस दौरान हजारों कश्मीरियों को जेलों में डाला जा चुका है। रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज के मजालिम का सिलसिला थम ना सका।